हेलो, नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं। और बताइए फ्रेंड, अभी हम चल रहे हैं इस सूट का सिलाई करने के लिए। और बताइए फ्रेंड, यहाँ पे आज दुकान में हम अकेले ही हैं और कोई नहीं है। ये जो हमारी सेठानी है वो आज डॉक्टर के पास चली गई हैं। जो नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो गई हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो हम आज अकेले ही हैं। तुमने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि मैं अकेले ही बोर हो रही थी ना। और बताइए फ्रेंड, ये हम टॉप का कटिंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट अस्तर का कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद टॉप का कटिंग करेंगे। यहाँ केरला में तो सभी बिना अस्तर का तो कोई टोपी नहीं पहनता है। अपन यहाँ वहाँ उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ तो कोई भी अस्तर नहीं लगाते हैं। यहाँ तो टॉप में बिना अस्तर में तो पहनते ही नहीं हैं। और बताइए फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। अभी हम दिखाते हैं कटिंग करके। देखिए फ्रेंड, ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा दूसरा नाप कुछ है नहीं। ये इसमें कॉपी में लिखा है नाप, तो इसे यही पढ़ के काटना था। तो मेरा मार्किंग का नाप हो गया है। मैं दिखा रही हूँ आप सभी को कैसे मैं मार्क करती हूँ मार्किंग। देखिए फ्रेंड, हमारा मार्किंग हो गया है। और एक गला है, दो दो टॉप है। अभी तो मैं एक साथ रख कर काटती हूँ। एक ही नाप है ना, तो इसीलिए मैं एक ही पर रख कर काटती हूँ। फ्रेंड, हमारा वीडियो पूरा देखना, और अच्छा लगे तो एक प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारा अस्तर का कटिंग हो गया है। और बताइए फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अब मैं ये साइड में रखूंगी, फिर मैं टॉप का, ये मैक्सी का कपड़ा है, मैक्सी के कपड़े का सूट सिला रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने ये मैक्सी का कपड़ा बिछा लिया है। अभी अब मैं इसको कटिंग करूँगी। ये दो है जो मैं एक साथ रखकर काटती हूँ। ये अस्तर का कपड़ा है, ये भी ऐसे ही रखूंगी इसके ऊपर, फिर कट करूंगी। लंबाई है हमारा 43 इंच। इसको देखते हैं कितना आएगा। 43, जो हम 2 इंच इस तरह लेकर काटेंगे। 45 पे कटिंग करेंगे। सिलने के बाद हमारा 43 इंच आ जाएगा फ्रेंड।
ये हमारा कटिंग हो गया है। अभी मैं इसको अलग अलग करूंगी। तो ये फ्रेंड हम दोनों अलग अलग कर रहे हैं। ये हमारा अभी अलग अलग हो गया है दोनों। अब चल रहे हैं बाही काटने। देखते हैं बाही कितना इंच है। देखिए फ्रेंड हमारा बाही है 15 इंच। अब मैं 15 इंच का बाही कट करूंगी। ये मैं इस तरह फोल्ड करती हूँ। एक ही साथ काटेंगे दोनों ना, थोड़ा सा मोटा हो जाता है पर अच्छा रहता है एक साथ में कटिंग करो, बार बार नहीं कटिंग करना पड़ता है। पंद्रह इंच का है तो हम 16.5 का मार्किंग करेंगे। साढ़े सात है हमारा ये कंधे का। एक पतली सी लड़की का है। तो ये मेरा मार्किन हो गया है। अब मैं इसको कट करूंगी। फिर कट करके मैं बाहर कट करने जा रही हूँ। ये मेरा वही हो गया कटिंग का। दोनों एक ही साथ काटी हूँ। अब चल रहे हैं फ्रेंड हम सिलाई करने के लिए। जो मेरा मशीन उधर है मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड। ये है हमारा मशीन जो मैं इस पे स्टिच मतलब सिलाई करूँगी। मलयालम भाषा आ गया, स्टिच करूँगी क्योंकि मलयालम में बोलते हैं स्टिचिंग करने के लिए। अभी मैं दिखाती हूँ फ्रेंड कैमरा। तो फ्रेंड मैं मशीन पे आ गई हूँ फाइनली। ये अभी हमारा धागा भरने का स्टार्ट हो गया है। अभी मैं पहले फर्स्ट धागा भरूँगी फिर सिलाई करूँगी। अभी दिखाती हूँ कैसे सिलाई करते हैं, ये धागा भरते हैं भी। अभी हमारा धागा भरने का काम स्टार्ट हो गया है, फिर उसके बाद सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारा सिलाई का काम स्टार्ट हो गया है। अब सिलाई कर रही हूँ क्योंकि हो गया है। अब सिलाई करूँगी फिर सिलाई करके आप सभी को दिखाएंगे कैसा लग रहा है। तो ओके फ्रेंड दिखाते हैं फिर थोड़ी देर के बाद में। तो फाइनली फ्रेंड ये हमारा टॉप बनके रेडी हो गया है। अभी मैं दिखाती हूँ कैसा लग रहा है आप सभी को। दे ब्लाउज ब्लाउसा ഉച്ചിനേ റൂം ചേച്ചി
അത് ഡോക്ടറിനെ പോയി ഫോൺ എടുക്കണില്ല. तो फ्रेंड हमारा हो गया है, ये टॉप बन के रेडी हो गया है. तो कैसा लग रहा है फ्रेंड, आप इस बात में कमेंट करके जरूर बताएं. और अच्छा लगे तो एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा. कुछ ऐसा बना है. ओके, बाय बाय फ्रेंड, मैं एंड कर रही हूँ. बाय बाय.